वेलकम बैक नाजीन। बात कर लेते हैं इस वक्त डेंगी के हवाले से। कराची के अंदर हम ये देख रहे हैं कि डेंगी काबू नहीं आ रहा है और 24 घंटों के दौरान भी 140 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और अगर पूरे साल की बात कर ली जाए सिर्फ कराची के केसेस के हवाले से तो 13,000 तक ये तादाद जा पहुँची, 13,000 से तजावुज़ कर चुकी है। और हलाकतों की अगर तादाद की बात की जाए तो वो 47 हो चुकी है। अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन कैसे काबू किया जाएगा? एक बार फिर हमने हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ऑन कॉल मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आप हमेशा वक्त देते हैं। मैं सबसे पहला सवाल यही करना चाहूँगा डेंगू के हवाले से, ये अभी भी बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर हम चल रहे हैं, डेंगू के केसेस रोज़ाना की बेसिस पर रिपोर्ट होते चले जा रहे हैं, वजह क्या है? बिल्कुल रहमान सिंह, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मैंने पहले भी ये बात कही है कि चूँकि प्रॉपर फ्यूमिगेशन नहीं हो पा रही है अभी तक, और जो इन्फेक्टेड मच्छर हैं, जो डेंगू इन्फेक्टेड मच्छर हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है, तो जिसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस में भी इजाफा हो रहा है। तो यही वजह है कि क्योंकि नंबर ऑफ मॉस्किटोज जो हैं, इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, डेंगू इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, उसमें इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से केसेस जो है डेंगू के उभरते चले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो केसेस हैं, डेथ केसेस, वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने ये देखा पिछले साल भी डेंगू के केसेस थे, लेकिन इस बार हम ज्यादा इजाफा देख रहे हैं। तो क्या अगर हम अगले साल की प्रेडिक्शन करेंगे कंपैरेटिवली, तो अगले साल के इससे ज्यादा केसेस भी हो सकते हैं? देखिए ये जो डेथ वाली बात की है ना आपने, डेथ डेंगू में बहुत बहुत ही कम है डेथ, और मैं समझता हूँ कि डेथ उन्हीं लोगों में होती है जो जो प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, या सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, या किसी के कहने पे करते हैं। अभी जो ज़्यादातर लोग इंतकाल कर गए हैं वो लोग हैं जिन्होंने साइंटिफिकली प्रूवन इलाज जो है उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि जो जो टोटके हैं जो बताए जाते हैं कि पपीते का पानी पी लो और ये कर लो, उसकी वजह से क्या हुआ, खासकर पपीते का ये जो पानी की बात होती है, अब तो उसके लिए सिरप भी निकल आया है मार्केट में, लोग उसको दबा के पीते हैं, और जिसकी वजह से होता ये है कि उससे डायरिया हो जाता है, और इतना सीवियर किस्म का डायरिया होता है कि वो दवा से रुकता नहीं है, और मेजॉरिटी लोग जो इंतकाल कर गए हैं वो डेंगू से ज्यादा डायरिया होने से, डिहाइड्रेटेड होके वो इंतकाल कर गए हैं, वो कंट्रोल में नहीं आता। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि डेंगू का होना कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, उसका प्रॉपर उसको मैनेजमेंट है, उसका उसको मैनेज करें तो वो सही हो जाता है। गो के डेंगू का वायरस है ये, इसका कोई प्रॉपर स्पेसिफिक इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन उसका सिम्टोमेटिक इलाज मौजूद है, और रेस्ट है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाई जाती है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, प्रॉपर गजा लेते हैं, नींद पूरी करते हैं, तो ये बीमारी 3-4-5-6 दिन के अंदर बहुत आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन वो लोग प्रॉब्लम में आते हैं जो अननेसेसरीली सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, अपनी मर्जी से दवा खाते हैं, या किसी ने पड़ोसन ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कह दिया उसको फॉलो करते हैं, और डॉक्टर के मशवरे पे अमल नहीं करते हैं, तो यहाँ नुकसान होने का खतरा ज्यादा रहता है, जानलेवा साबित हो सकते हैं। ठीक है सर, डॉक्टर साहब इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अभी भी डेंगू के जो है वो केसेस ज़्यादातर रिपोर्ट होते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं एक पीक टाइम था डेंगू के हवाले से, फिर हमने देखा कि हम काबू पाने में कामयाब हो गए, फिर पिछले साल भी केसेस थे, इस साल भी ज़्यादा केसेस हैं, तो ओवरऑल अगर बात की जाए पूरी दुनिया के हवाले से तो कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं? देखिए जितनी भी डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, लाइक बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, इन जगहों पे ये केसेस ज्यादा है, और जगहों पे भी होंगे जो कि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे डेवलपमेंटल कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पर ये मच्छर ज्यादा होते हैं, दोनों मलेरिया के भी और डेंगू के भी केसेस। लेकिन पिछले कोई आप समझ लें कि ये 8-10 सालों में पाकिस्तान में ये केसेस बहुत ज्यादा सुने जा रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर अंडर डेवलप कंट्रीज में, और उसकी वजह मैं समझता हूँ कि सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से मच्छर को ख़त्म करने के लिए वो इकदाम नहीं उठाए जाते हैं। अब डेंगू का जो मच्छर है वो खासकर बारिशों के बाद ये ज़्यादा उसमें इजाफा हो जाता है,
तो वो उसके लिए जरूरी है कि आपको इसको खत्म करना चाहिए, यानी कि उसको एलिमिनेट करना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ फ्यूमिगेशन किया जाए, प्रॉपर फ्यूमिगेशन होनी चाहिए और उन जगहों पे ज्यादा होनी चाहिए जहाँ पे डेंगू के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो और ये एक रेगुलर बेसिस पे, ये नहीं कि एक दफा आज हो गया तो फिर उसके बाद दो महीने के बाद फ्यूमिगेशन हो रही है। आई थिंक डेली बेसिस पे फ्यूमिगेशन या ऑल्टरनेट बेसिस पे फ्यूमिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद आपके वक्त का। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और डेंगू के हवाले से यही बताया गया कि जो डेंगू का इलाज है वो इलाज जो है प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए तो डेंगू से जो है वो छुटकारा पाया जा सकता है और डेंगू के केसेस में कमी लाने के लिए हुकूमत को भी किरदार अदा करना पड़ेगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अल्लाह हाफिज़।